हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे होममेड ब्लैक फॉरेस्ट केक विथ व्हिपिंग क्रीम और आइसिंग। केक बनाने के लिए आप कोई भी कुकीज़ ले सकते हो। मैं यहाँ पर चोको कुकी ले रही हूँ। ग्राइंडर में डाल लेंगे, चीनी डालेंगे। अब ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। पहले बिस्किट पिस गया, अब हम इसमें दूध डालेंगे। दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। बैटर रेडी है। से कोई मोल्ड या बर्तन ले लें और उस पर बटर पेपर रख दें। ऑयल या घी से ग्रीस कर लें। अब बैटर में थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा इनो डाल दें। ग्राइंड कर लें। बैटर को मोल्ड में निकाल लें। इस तरह से करें ताकि इसमें लम्स ना रहें। यहाँ पर पॉट में पानी डालकर स्टैंड रख दिया था जिससे मैं केक बेक कर सकूं। अब केक को इसमें रख करके 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर देंगे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं केक कितना बना है। केक अभी टूथपिक में लग रहा है, यानी इसे 10 मिनट और लगेंगे बेक होने में। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए फ्रेश क्रीम लेंगे, शुगर को थिक होने तक फेंट लेंगे। जब आप चाहो तो एग वाइट भी मिला सकते हो। व्हिप्ड क्रीम और केक आइसिंग रेडी है। 15 सेकेंड तक बाउल को उल्टा करके आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर क्रीम नहीं गिरती है यानी ये बन गई है। 15 सेकंड हो गया है, क्रीम नहीं गिरी है। व्हिप्ड क्रीम तैयार है। इसे फ्रिज में रख देंगे। जब केक में आइसिंग करना होगा तो निकालेंगे। 30 मिनट हो गया है। केक चेक कर लेते हैं। टूथपिक में नहीं लग रहा है। नाइफ की हेल्प से किनारे निकाल लेंगे पहले। अब एक प्लेट में हम केक को निकाल लेंगे। बटर पेपर निकाल के केक को फ्रीज कर देंगे 15 मिनट के लिए ताकि हम इस पर फ्रॉस्टिंग कर सकें। केक ठंडा हो गया है। अब व्हिप्ड क्रीम इस पर लगाएंगे। ब्लैक फॉरेस्ट केक का लुक देंगे इसे। अब पाइपिंग बैग लेंगे, व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। आप जिस तरह से चाहो केक को डेकोर कर सकते हो। केक को डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। और चॉको चिप्स से डेकोरेट कर लेंगे। जेम्स रख देंगे इस पर। ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें।